किरण खेर के बारे में आप क्या बोलोगे? किरण खेर ने कुछ नहीं किया। इतनी मतलब आपने लोगों को पागल समझाया क्या कि आप इलेक्शन के महीने में रोड ठीक कर देंगे और लोगों को लगेगा कि 5 साल बड़ा तगड़ा काम हुआ है। I have done my masters in psychology and I am like a counselor. ठीक है, so there are no job opportunities. ਮਤਲਬ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਸਤੀਆਂ ਢਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਸਮਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਐਮ ਪੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਢਾਣ ਦਊਂਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਇਸੀ ਲਈ ਯਹਾਂ ਸੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀਓਂ ਕਾ ਡੈਮੋਲੇਸ਼ਨ ਕੀਆ ਥਾ, ਜੋ ਕਲੋਨੀਸ ਕੀ ਵੋਟ ਹੈ ਵੋ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ। 5 ਸਾਲੋਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰ ਤੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਦਿਆ ਹੋ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਆ ਹੋ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਫੋਰ ਦ ਕੈਂਪਸ ਬਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੋ ਵੋਟਸ ਲੈਣੇ ਆਏ ਥੇ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ मुझे उनके बारे में मैंने लाइक हैव नॉट सीन हर। आजकल ये लोग पता नहीं क्या सोच के एक नई चीज लेके आ रहे हैं कि ये रात रात को रोड ठीक कर रहे हैं, अभी इलेक्शन टाइम चला हुआ है। इतनी मतलब आपने लोगों को पागल समझाया क्या कि आप इलेक्शन के महीने में रोड ठीक कर देंगे और लोगों को लगेगा कि 5 साल बड़ा तगड़ा काम हुआ है। द मेन इशू इज जॉब राइट नाउ बिकॉज़ वी आर यंगस्टर्स। सी आई हैव डन माय मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंड आई एम लाइक अ काउंसलर। ठीक है, सो देयर आर नो जॉब अपॉर्चुनिटीज इफ देयर आर इन प्राइवेट स्कूल्स, लाइक उसमें अप्रोच सिस्टम चलता है। इफ़ आई एम अ ग्रेजुएट ओवर हियर तो मुझे कितने का जॉब मिलेगा पर मंथ? यू आर अ ग्रेजुएट, यू वॉन्ट गेट अ जॉब। आई एम डूइंग माई मास्टर्स एंड अगर मैं भी अपने प्लेसमेंट ड्राइव में बैठी होती तो मुझे आकाश या किसी ऐसे भी इंस्टीट्यूट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलता। कितना मिलता है उसका महीने का? उसका महीने का स्टार्टिंग तो फिर भी इनका 10-15,000 से ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब कल बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी के नाल खुदकुशियां भी हो रही हैं, स्टूडेंटों की खुदकुशियां हो रही नहीं है। एंड इवन व्हेन वी हैड अ प्लेसमेंट सेल, द वन थिंग दैट दे टोल्ड अस वाज दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन। एब्सोल्युटली यू नीड टू गेट योर ओन स्किल सेट, बट हियरिंग इट फ्रॉम द पीपल हु आर एक्चुअली गिविंग यू प्लेसमेंट्स दैट यू विल नॉट गेट jobs that way, you have to get your own skill set and then not providing us with the same skill set is a little contradictory. कैप्टन अमरिंदर सिंह गवर्नमेंट जब उन्होंने अपने मैनिफेस्टोज प्रेजेंट किए थे, उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि विद इन द फर्स्ट मंथ दिस प्रॉब्लम वुड बी रिमूव्ड, बट ਐਵੇਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਥਿੰਗ ਆਫ ਦੈਟ ਸੋਰਟ ਹੈਪਨਡ। ਹਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੇਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਏ ਹੈ ਵੋ ਉਸਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕਾ ਅਭੀ ਤੱਕ 20% ਵੀ वो नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है कि पवन कुमार बंसल के यहाँ होने पे हमें यूनिवर्सिटी को बहुत ही सुंदर हालातों से गुजरना पड़ा हो, उनके समय पे भी हमें यहाँ पे फी हाइक से लेके क्या क्या यहाँ पे फेस नहीं करना पड़ा है। बीजेपी कंपैरिजन टू कांग्रेस इज लीस्ट वर्स्ट बट एवरीवन इज जस्ट वर्स्ट। करेक्ट, सो वी डोंट हैव एनीवन एनी लाइक परफेक्ट कैंडिडेट टू वोट फॉर। ये एक तो किरण खेर जीतने का बड़ा मतलब था, एक तो मुझे कमियां ने ना पवन बंसल की, पवन कुमार बंसल ने जो कॉलोनी की डेमोलिशन की थी वो थी। एक दूसरी बड़ा कारण ये था, यहाँ पे आम आदमी पार्टी भी एक नहीं आई थी जो एंटी कंपेंसी वोट थी। करेक्ट, ठीक है, वो उसको पड़ी है अपनी गुलपनाग को, उसको 1,10,000 के करीब वोट पड़ी थी। कांग्रेस को ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे मेंटेन करके जो निराशा यहाँ के सिटीजन्स के हाथ आई थी उसमें वो एक नया ऑल्टरनेटिव फॉर्म किरण खेर में ढूंढ रहे थे, वो बीजेपी में। अभी भी देखा जाए तो शी इज़ जस्ट यूजिंग मोदी एज अ पिक्चर जिसकी वजह से यहाँ पे बीजेपी आ जाएगा। पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में थे, जो बस्ती में जो बस्ती की वोट है ना, जो कॉलोनीज की वोट है उसमें इनका बहुत होल्ड था हरमोहन धवन का। इसकी वजह से एक वजह थी, ये भी बड़ी वजह थी भी जो किरण खेर को बस्ती की वोट पड़ी इस बार। ये भी एक है भी हरमोहन धवन नहीं है, ठीक है, जो बस्ती की वोट है, ठीक है, वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है, ये बात है। आप पार्टी अभी तक तो न्यू है वो उसके ऊपर मतलब होप है कुछ कर सकती है? आम आदमी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। अब रिसेंटली दे वांटेड टू कोलैबोरेट विद कांग्रेस एंड इनिशियली वो आपस में ही लड़ते थे, उनको ऐसे था कि हम अपने बलबूते पे जाएंगे, बट दे हैव फेल्ड ऑन ऑल द फ्रंट्स एंड दे डू नॉट हैव इफेक्टिव लीडरशिप
I wanted to go with AAP initially, you know, because they when AAP came into existence, they did a lot of work, but now they've become so inactive. उनका हमें कोई पहले किए गए कामों में तो कोई भी उनका रिपोर्ट कार्ड है नहीं जिसको हम देख के माप सकें. Definitely third पे ही रह जाता है आप जब यहाँ पे चंडीगढ़ की बात की जाए. We'll be right back.